पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की आदिया पोस्ट पर रात दो बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने 74 राउंड फायरिंग और दो इलू बम भी दागे। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए अब बीएसएफ रेडार वाले ड्रोन से सुरंग का पता लगाएगा। घुसपैठ के साथ पाकिस्तानी इन सुरंगों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए भी करता है। तिब्बत ने अपनी तैयारी को एक नया वीडियो जारी किया है। तिब्बत में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर शिगात से सैन्य पोस्ट पर पीएलए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही सैन्य उपकरणों के साथ साथ ट्रक पर लगे यूएवी को भी वीडियो में दिखाया गया है। ताइवानी सीमा पर चीन ने एक बार फिर से अपनी हद पार की है। ताइवान के पास पीएलए के 57 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए गए। सुबह 6 बजे पीएलए के 4 जहाज भी इंटरसेप्ट किए गए। ताइवान ने जवाब देने के लिए कैप एयरक्राफ्ट और नौसेना जहाज को एक्टिव किया है। चीन ने 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार करने का फैसला किया है। अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, और अब चीन 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने का काम कर रहा है। इस जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। चीनी सेना लगातार अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। चीन ने डोंगफोंग बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च करने का फैसला किया है। डोंगफोंग 21 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर तक है। चीन को अपने स्पेशल मिशन में बड़ी सफलता मिली है। हेनान में वेनचांग स्पेसक्राफ्ट से चीन 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में भेजने में कामयाब रहा है। स्पेस पर नजर रखने वाले शीजियान 23, शीजियान 22 और शीजियान 22 भी उपग्रह को चीन ने स्पेस में भेजा है। टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ नरम रुख दिखाया। टीटीपी के प्रमुख ने कहा कि उनका संगठन पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के लिए अब भी तैयार है। टीटीपी ने पाकिस्तान के धार्मिक नेताओं से बातचीत के बाद ये बयान दिया। कंगाल पाकिस्तान में आटे से लदे ट्रक की बंदूक की नोक पर सुरक्षा की जा रही है। वहीं बलूचिस्तान में लोग आटे के लिए आपस में मारामारी करते नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है।